लोकसभा चुनावों का शंखनाद होते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है और पूरे जोश के साथ चुनावों की तैयारी में जुटी है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से जीत के दावे के साथ कार्य कर रही है। इन चुनावों में विधायकों के सुझाव लेने के लिए शनिवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई। इस दौरान विधायकों की ड्यूटी भी तय की गई। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और अपनी अपनी नीतियों को जनता के बीच ले जाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं बैठकों का दौर भी जारी है। शनिवार को शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। इस मौके पर चुनाव को लेकर सभी विधायकों से सुझाव लिए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि बैठक में भाजपा जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी तय की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा इन चुनाव में पूरी तैयारी और रणनीति के साथ जनता के बीच जाएगी, ताकि प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा चारों सीटों पर जीत दर्ज कर सके। विधायकों के साथ इस लोकसभा के चुनाव से पहले मिलना, उनके सुझाव महत्वपूर्ण जो है वो पार्टी के लिए और उसके साथ साथ हमारी कैंपेन किस प्रकार से हो, उन सारी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उन्होंने दिए हैं। और उसके साथ साथ में जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं वो लोग भी आए थे, कुछ उनके साथ भी बातचीत हुई। तो सामूहिक रूप से हमारा बैठना और स्ट्रेटजी के तहत जो है लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए ये बैठक थी और उस दृष्टि से सारी बातें हमने चर्चा की हैं प्रमुख रूप से। और हमारा आने वाला समय का चुनाव तक, क्योंकि इस बार का चुनाव का स्पैन लंबा है, काफ़ी लंबा है, तो उसको प्लानिंग के साथ हम चलें, फेजिस में चलें और उस सारी चीज़ को लेकर के यहाँ सुझाव आए हैं और उसके अनुरूप हम अपनी स्ट्रेटजी अगले लोकसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं। विधायकों का रिस्पांस क्या है सर, और क्या कोई टारगेट फिक्स किया? सब है, सब जोश में है, बहुत बड़े जोश में है। शानदार जीत हर विधानसभा क्षेत्र से। 46 विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधायक हैं, 44 बीजेपी के, 2 निर्दलीय विधायक सहयोगी के नाते साथ दे रहे हैं। तो उसके साथ साथ में बहुत बड़े विधानसभा क्षेत्र वो भी हैं जहां बड़ी संख्या वो भी है जहां हम विधानसभा के चुनाव में कुछ वोटों से चूक गए थे, वहां पर भी जीत की संभावनाएं बहुत बड़ी है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भाजपा विधायक दल की बैठक में आगामी चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है, वहीं उनके सुझाव भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनजागरण अभियान को लेकर विधायकों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। सत्ती ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। वहीं टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि टिकट के चाहवानों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन टिकट पर अंतिम निर्णय आला कमान करेगा। हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग बद्दी में हुई थी, उसमें कुछ विषय तय किए गए थे, जिन विषयों को हम लोगों ने पिछले कल पार्लियामेंट्स की मीटिंगों में कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया। विधायकगण भी एक बार बैठे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जी का आग्रह था और आज विधायकों की मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी। विधायकों के साथ बैठ करके जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है उसका टोटल शेड्यूल पर चर्चा हुई है। आगे चल करके किस तरह से अपने कैंपेन को चलाना है मार्च अप्रैल मई महीने तक, उसके कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं। उसमें विधायकों की, मंत्रियों की, अपने मंडल के बाहर भी कई जगह ड्यूटियां जाना पड़ेगा, ऐसा उनको जानकारी दी गई है। जनसभाओं में जो जिला परिषदों की जनसभाएं होनी हैं, जो मोर्चों के हमारे सम्मेलन होने हैं, आने वाले 3 महीनों में हम लोग अप्रैल ख़त्म होते होते 400 जनसभाएं छोटी बड़ी मोर्चों की और जिला परिषदों की करेंगे और उसके बाद मई महीने के प्रथम सप्ताह से केंद्रीय नेताओं का हिमाचल प्रदेश में आगमन हो जाएगा, उनकी जनसभाएं हम लोग करेंगे। तो ऐसा टोटल शेड्यूल सभी मंत्री महोदय को, विधायकों को और बाकी जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो विधायक नहीं बने उन सबको बताया गया है। उसी के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई और आगे कैंपेन हम लोग शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री जी का पूरे हिमाचल प्रदेश का टूर होगा, ऐसा तय किया गया है। और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे जो केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जहां वो समय दे पाएंगे, आदरणीय प्रणव सुप्रीम का धूमल जी, शांता कुमार जी, ऐसे सभी वरिष्ठ नेताओं का पूरा सहयोग लिया जाएगा ताकि चारों की चारों सीटों को जीता जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।